हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक आर्टिफिशियल वरमाला बनाएंगे जो कि मोतियों से बनी है। उसे बनाने के लिए हमें इस तरह के मैंने मोती चाहिएंगे। मैंने सादे ये मोती यूज़ किए हैं, थोड़े से इस तरह के बारीक और मोटे जैसे मोती आते हैं ये गोल्डन मोती, और इस तरह की रिंग्स आसानी से मिल जाती है मार्केट में। ये रिंग यूज़ की है डायमंड की मैंने इसमें, और ये ऐसे गोटे के फूल जो मैंने पहले भी आपको बताए थे वो यूज़ किया है। इस तरह की गोटे की एक बूटी यूज़ की है, एक रिबन, कोई भी कलर का कैसा भी सुई और धागा। आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले मोती का ये बेल्ट बनाया है। ये बेल्ट मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही बेल्ट है। इसमें मैंने सिर्फ गोल्डन मोती ऐड किया है कॉर्नर पे, सिर्फ जहाँ से ये सेंटर ख़त्म होकर नया स्टार्ट करते हैं वहाँ पे मैंने तीन मोती में एक गोल्डन मोती यूज़ किया है। इसी तरह बाद में दो मोती में एक गोल्डन मोती यूज़ किया है। इस तरह की हमने बेल्ट बना ली। ऐसी हमें दो बेल्ट बना के रेडी रखनी है। देखिए हमारे बेल्ट बन के रेडी हो गए दोनों। अभी हम इन बेल्ट को ज्वाइन करेंगे आपस में। इसे ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले धागे में मोती ले लेंगे। तीन मोती लेंगे हम धागे में। ध्यान से देखिएगा, वैसे बहुत सिंपल है। ये जो सेंटर वाला है मोती, इसमें से हम ये सुई निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह हम इधर गांठ मारेंगे तो हमें ये स्क्वायर मिल जाएगा। एक फिर से बता रही हूँ, सिंपल है बिल्कुल। सुई में धागा पिरोया हमने, सेंटर वाले में से निकाला है और इसे पास ले जाते हैं इस तरह से। इसे हम देखिए यहाँ ले आए। अब यहाँ पे हम गांठ मार देंगे तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसे आगे बढ़ाएंगे हम इस तरह पकड़ के। कस के गांठ लगा देंगे। टाइटली गांठ लगाने के बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। ये हमें अब सेंटर का मिल गया है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बेल्ट सिखाया था बनाने, बिल्कुल उसी तरह बनाना है। सेंटर में लेके जाना है हमें। फिर हमें तीन मोती लेना है। तीन मोती लेके जैसे मैंने बताया था वैसे ही बेल्ट बनानी है। ये हमें अंदाजे से बनानी है। ये वरमाला है तो ये हम गले की पट्टी बना रहे हैं, ये जो गले में जाएगी इस तरह से। इसके अंदाजे से आपको बनानी है ये। आपका इतना बनने के बाद में हम इसे यहाँ ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारी इतनी बन गई है। ये बिल्कुल अंदाजे से आपको बनानी होगी जो साइज का चाहिए। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप पास में ले आइए, देखिए आपको पता चल जाएगा ज्वाइन करने का भी। अब यहाँ पर ये दो मोती तो मिल गए हमें स्क्वायर के लिए, तो हमें साइड के दो मोती डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मोती लेंगे। अब इसका जो सेंटर है उसमें से सुई निकालेंगे हम। ये बेल्ट के सेंटर में से सुई निकाल के हम एक मोती और लेंगे और इसके सेंटर में से इस तरह से निकाल कर टाइट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी हो गई माला ज्वाइंट। यहाँ हम गांठ मार देंगे। आइए अब हम सबसे पहले गोटा से फुल रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम ये दो गोटे को ज्वाइन करेंगे आपस में ग्लू गन की हेल्प से। इस तरह हम ग्लू गन लगाएंगे यहाँ पर और इसे बीच में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल अंदाजे से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे ही। ये हमें दो बनाने हैं इस तरह के। हम दोनों को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब इस पर हम ये बूटी को इस तरह से लगा देंगे सेंटर में। आइए अब हम आगे का शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह से, और अंदाजे से हम ये ऑलमोस्ट सेंटर ले लेंगे। थोड़ा लंबाई धागा मैंने रखा है इसे, तो थोड़ा हम सेंटर ले लेंगे।
ठीक है। अब हम इसमें एक गोल्डन मोती पिरोएंगे और एक हम ये डायमंड रिंग पिरोएंगे। एक गोल्डन मोती, एक डायमंड रिंग, इस तरह से हम ये पिरोएंगे इसमें और इस तरफ से भी हम ये पिरो लेंगे। देखिए हमारे मोती लग के रेडी हो गया है। ये हमने एक बार इस तरफ से पिरो लिया और इस साइड से पिरो लिया है। अब हम इसे थोड़ा सीधा रख लेंगे और ये जो हमने बूटी तैयार की थी ग्लू गन की हेल्प से हम ये बूटी इस तरह लगा देंगे। ये दोनों एक सार हों ऊपर से और नीचे से हल्का सा बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। देखिए बूटी लग के रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम इसके अंदर ये दो धागे ये रहे जो हमने इधर निकाले हैं, थोड़ा सा गैप दे दिया है इसमें। अब इसमें हम गोल्डन मोती और रिंग पिरोएंगे। जैसे ऊपर पिरोया है बिल्कुल सेम ऐसे ही हम नीचे पिरोएंगे। एक गोल्डन मोती, एक रिंग, एक गोल्डन मोती, बिल्कुल इसी लाइन में ये हम दोनों में पोएंगे, दोनों में चलाएंगे। ये दोनों हम पिरोएंगे और साथ में हम एक तीसरी लाइन भी चलाएंगे। ये दो लाइन हम बिल्कुल सेम ऐसी बनाएंगे। तीसरी लाइन के लिए हम इसके सेंटर में एक धागा और पिरोएंगे, उसे हल्का सा हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हम गोटे में से निकाल लेते हैं इसे। सेंटर पर से और फिर ग्लू गन की हेल्प से इसे सेंटर पर हम चिपका देंगे इस तरह से चिपका देंगे। अब हम फिर इसे सीधा कर रहे हैं। अब ये देखिए अलग अलग मैं थ्रेड कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल आपको। ये देखिए अभी तीन थ्रेड आ गए। ये दो में हमें बिल्कुल इस तरह का पोना है और सिंगल वाली में हम ये बॉल है ये यूज़ करेंगे। इसमें हम इसमें गोल्डन के साथ यूज़ करेंगे। हम इसमें गोल्डन लेंगे और एक ये बड़ा वाला बॉल लेंगे, एक गोल्डन लेंगे और एक बड़ा वाला बॉल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम ये तीनों लड़ पिरोएंगे। इसमें जो ये सबसे फर्स्ट वाली लड़ है इसमें कम होंगे मोती, इसमें उससे ज़्यादा होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। ये आपके अंदाजे पे डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा बड़ा लेना चाहते हैं। देखिए इसमें हमने कम ज़्यादा करके इस तरह से मोती पिरो दिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, धागे हमारे काफ़ी लंबे लंबे हैं। ये देखिए ये सबसे निचला हिस्सा है, मैंने इसमें कम पिरोया है, उससे ज़्यादा मैंने इसमें डाले हैं, उससे ज़्यादा मैंने इसमें डाले। ये बिल्कुल अंदाजे पे डिपेंड करता है आपको कि कितना बड़ा छोटा रखना है। ये उस पर काउंटिंग पे नहीं जा सकते इसमें। अब सिंपल सा है, ऊपर भी हमने ये पिरो के रखा है। जैसे हमने ये चिपकाया है बिल्कुल इसे इस तरह से यहाँ से चिपका देंगे सेंटर पर से और फिर थ्रेड एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे, ये वाला थ्रेड हम, और बिल्कुल जैसे हमने वो चिपकाया था थोड़ा स्लांट में लेकर इस तरह से हम ये दोनों यहाँ पे चिपका देंगे और सेंटर में हम सुई की हेल्प से, सुई की हेल्प से पहले यहाँ हम टाइटली बांध देंगे और फिर इसे भी ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। पूरा इस तरह चिपका के हम रेडी कर लेंगे इसे। देखिए हमारी माला रेडी हो गई है। इसमें फिनिशिंग के लिए पीछे मैंने रिबन लगाया है इस तरह से, ताकि ये माला में पूरा फिनिशिंग दिखे, कहीं से भी अनफिनिश ना लगे। शादी के सीजन में यूँ तो फूलों की माला बहुत चलती है, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल माला का भी खूब चलन है। उसी में हमने एक कोशिश की है आर्टिफिशियल माला बनाने की। आपको ये माला कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।